मथुरा उत्तर भारत का सबसे अधिक लोकप्रिय रंगनाथ जी का मेला आज वृंदावन के रंगनाथ मंदिर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर भगवान रंगनाथ को चंदन के रथ में विराजमान कर शोभा यात्रा निकाली, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने रंग रथ खींचकर पुण्य लाभ कमाया। उत्तर भारत का सबसे लोकप्रिय मेला वृंदावन के रंगनाथ जी के मंदिर में आयोजित किया गया। इस मेले में मुख्य आकर्षण का केंद्र चंदन की लकड़ियों से बना 167 वर्ष पुराना रथ है। इस रथ की ऊंचाई 56 फीट है, जो कि वर्ष में सिर्फ एक ही बार निकाला जाता है। इस रथ पर विराजमान होकर भगवान रंगनाथ हजारों श्रद्धालुओं को दिव्य दर्शन देते हुए वृंदावन की कुंज गलियों में शोभा यात्रा निकाली। इस रथ के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं ने रथ खींचकर अपने आराध्य को वृंदावन भ्रमण करवाया और स्वयं को धन्य कर लिया। हर वर्ष की रंगनाथ जी की शोभा यात्रा इसी दिव्य रथ पर निकाली जाती है। साथ ही श्रद्धालु इस रंगनाथ जी के रथ को अपने हाथों से खींचकर अपने को धन्य समझते हैं। मान्यता के अनुसार रथ को खींचने पर वैकुंठ की प्राप्ति होती है। देखिए, मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, स्केच न्यूज। देखिए, एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि वृंदावन में हर्षोल्लास का मौसम आ रहा है और इसी उपलक्ष में हमारे रंगनाथ भगवान जी का जो रथ का जो मेला है वो चलता रहता है। प्रति वर्षों से कई पीढ़ियों से लगातार चल रहा है, जिसमें उत्तर भारत का सबसे प्रसिद्ध मेला इसको बोला जाता है। यहाँ पर विष्णु भगवान की लीलाओं का वर्णन है, 10 दिन तक चलता है, जिसमें जन्म से लेके और अंतिम यात्रा तक की व्यवस्थाएं जैसे लीला ठाकुर जी ने करी थी उस तरीके से उनका अवलोकन प्रतिवर्ष दोनों टाइम सुबह और शाम सवारियों के जरिए किया जाता है। रथ का मेला ठाकुर का क्योंकि गोविंद देव नारायण जी का जो मंदिर है उसके बराबर में ही रंगनाथ जी का मंदिर है। इसके उपलक्ष में हम लोग वृंदावनवासी सभी लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ उत्तर भारत के प्रसिद्ध मेले रथ के मेले को मनाते हैं। ये करीबन 10 दिन का चलता है जी। 10 दिन तक भगवान की जितनी लीलाएं जन्म से लेके अंतिम यात्रा तक जो लीलाएं होती हैं उनका अवलोकन होता है।